जेडीयू कोटे से 5 मंत्री बनाए जाने की संभावना है। ललन सिंह, संजय झा मंत्री बन सकते हैं, कौशलेंद्र कुमार भी मंत्री बन सकते हैं, तो वहीं रामनाथ ठाकुर भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। इधर जीतन राम मांझी भी मंत्री बन सकते हैं। चिराग पासवान के भी मंत्री बनाए जाने की संभावना है। आरएलडी के जयंत चौधरी भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। जेडीएस के कुमार स्वामी भी मंत्री बन सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। खबर के मुताबिक आपको बता दें कि जेडीयू की नजर जो है वो 10 मंत्रालयों पर टिकी हुई है, लेकिन ये देखना होगा कि कौन कौन से नेता हैं उनको मंत्री बनाया जाता है। लेकिन फिलहाल जो नाम सामने आ रहे हैं वो देखिए, जेडीयू कोटे से 5 मंत्री बन सकते हैं, जिनमें जिनका नाम सामने आ रहा है वो है ललन सिंह, संजय झा, कौशलेंद्र कुमार, रामनाथ ठाकुर, जीतन राम मांझी भी मंत्री बनाए जा सकते हैं, चिराग पासवान भी मंत्री बनाए जा सकते हैं, वहीं आरएलडी के जयंत चौधरी भी मंत्री बन सकते हैं, इधर जेडीएस के कुमार स्वामी भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो ये कुछ नाम है जो कि हमारे सामने है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि इन नामों की जिनकी चर्चा की जा रही है वो मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो अब सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई है कि कैबिनेट में किन किन की हिस्सेदारी जो है वो होने वाली है, और ये देखना है, बड़ा ही दिलचस्प रहेगा कि आखिर कैबिनेट में किन किन को हिस्सा मिलता है और कौन कौन से नेता मंत्री बनाए जाते हैं। और न्यूज 18 सूत्रों के हवाले से ये खबर है, बिहार से कई मंत्री बन सकते हैं। जेडीयू कोटे से 5 मंत्री बनाए जाने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें कि ललन सिंह, संजय झा का नाम जो है वो सबसे शीर्ष पर बताया जा रहा है। कौशलेंद्र कुमार का भी नाम जो है चर्चा में है। इधर रामनाथ ठाकुर भी मंत्री बनाए जा सकते हैं, जीतन राम मांझी भी मंत्री बनाए जा सकते हैं, ये भी खबर सामने आ रही है। देखिए, संजय झा जो है ब्राह्मण है, मिथिलांचल में जेडीयू का बड़ा चेहरा माने जाते हैं संजय झा। और देखिए, जिन नामों की चर्चा की जा रही है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। जेडीयू के तेज तर्रार नेता माने जाते हैं, सीएम नीतीश के बेहद करीबी भी हैं संजय झा, और इसी वजह से इनका नाम जो है काफी ज्यादा चर्चा में है। बिहार सरकार में 3 बार मंत्री भी रहे हैं संजय झा। संजय झा ब्राह्मण जाति से आते हैं और सीएम नीतीश के काफी ज्यादा करीबी माने जाते हैं, मिथिलांचल में जेडीयू का बड़ा चेहरा भी है ये। ललन सिंह की बात करते हैं, देखिए जेडीयू के कद्दावर नेता माने जाते हैं और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं और सीएम नीतीश के काफी करीबी भी हैं, इसी वजह से कहा जा रहा है कि ये मंत्री बनाए जा सकते हैं ललन सिंह। ललन सिंह भूमिहार समाज से आते हैं, सीएम नीतीश के भरोसेमंद काफी माने जाते हैं और ललन सिंह 4थी बार सांसद भी बने हैं। तो आपको बता दें कि ये वो नाम है जिनका काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। रामनाथ ठाकुर जेडीयू से राज्यसभा सांसद हैं और इनको भी मंत्री बनाए जाने की खबर है। पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं रामनाथ ठाकुर, इनके बारे में भी आप जानिए। सीएम नीतीश के करीबी माने जाते हैं रामनाथ ठाकुर, और जेडीयू में अत्यंत पिछड़ा वर्ग का बड़ा चेहरा है रामनाथ ठाकुर। लालू और नीतीश के सरकार में मंत्री भी रहे हैं और नीतीश के काफी भरोसेमंद भी हैं। तो ऐसे में आप जानिए कौशलेंद्र कुमार को। कौशलेंद्र कुमार नालंदा से जेडीयू के सांसद हैं। कौशलेंद्र नालंदा से जेडीयू के 4 बार सांसद रहे हैं, 2009, 2014, 2019 और 2024 में 4 बार जीते हैं। कौशलेंद्र कुमार सीएम नीतीश के स्वजातीय भी हैं और काफी भरोसेमंद भी हैं। कौशलेंद्र कुमार कुर्मी जाति से ही आते हैं। और अब बात करते हैं देखिए चिराग पासवान की। तो चिराग पासवान जो है वो लगातार 3री बार सांसद बने हैं। इस बार आपको बता दें कि वो हाजीपुर से सांसद बने हैं, खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हैं। और बता दें आपको कि चिराग की पार्टी का 100% स्ट्राइक भी रहा। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक देखिए जीतन राम मांझी की बात कर लें, गया से पहली बार हम के सांसद बने, बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं जीतन राम मांझी, इनको भी आप थोड़ा सा जानिए। मांझी जो है वो महादलित समाज से आते हैं और इस बार वो सांसद बने हैं, गया से उनको जीत मिली है। अलग अलग सरकार में कई बार मंत्री रहे हैं जीतन राम मांझी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक भी हैं। देखिए पीएम मोदी के पहले कार्यकाल में बिहार से 9 मंत्री थे। मोदी सरकार जब पहली बार बनी थी तो पहले कार्यालय में बिहार से 4 कैबिनेट मंत्री थे और बिहार से 2 स्वतंत्र प्रभार और 3 राज्य मंत्री थे। देखिए बिहार से संभावित चेहरे जिनको कि इस बार मंत्री बनाया जा सकता है, संजय झा का नाम सामने आ रहा है, ललन सिंह का नाम सामने आ रहा है, ये वो संभावित चेहरे हैं जिनके बारे में चर्चा की जा रही है। ललन सिंह, संजय झा, रामनाथ ठाकुर, इनके बारे में अभी हमने आपको थोड़ी थोड़ा बताया। और रामनाथ ठाकुर के अलावा अगर बात करें
तो कई और चेहरे जिनका नाम जो है वो सामने आ रहा है, चर्चा में है, जैसे कि कौशलेंद्र कुमार, ये भी संभावित चेहरे हैं जिनको कि मंत्री बनाया जा सकता है। इधर देखिए चिराग पासवान LJPR के सांसद हैं, उनका भी काफी नाम जो है वो चर्चा में है कि इनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। इधर जीतन राम मांझी हम के सांसद हैं, इनकी भी काफी चर्चा हो रही है। गया से सांसद है जीतन राम मांझी और इनको भी मंत्री बनाए जाने की संभावना जो है वो जताई जा रही है।